हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा की रेसिपी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने राजमा को 1 कप राजमा को हमने पानी में भिगो के रख लिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची। अब हम ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में। इसमें हमने जीरा डाला है, प्याज लहसुन चॉप किया हुआ डाल देंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच, कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का, जब तक थोड़ा सा पका लेंगे इसको। 2 से 3 हमने लाल मिर्च डाली है साबुत, और 2 ही टमाटर रफली चॉप कराए हुए डाल दिए। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते, और इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। हरी मिर्च डाल देंगे 2। हमारा ऑलमोस्ट टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। ये चेक कर लेंगे एक बार हम इस तरीके से दबाकर। अब ये हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब उसी ऑयल में हमने थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद हमने इसमें जो अपना ग्राइंड करा हुआ पेस्ट था वो डाल दिया है। हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये ग्रेवी जो है ये पककर और हाफ नहीं हो जाती तब तक हमें इसको पकाना है। इसमें हम धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। हम ढक के पका लेंगे। ये देखिए कुछ ये इस तरीके से क्वांटिटी कम हो चुकी है। इसमें बॉईल करा हुआ राजमा डाल देंगे। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो राजमे में अच्छे से मिक्स हो पाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। हमारा तैयार है। अब आप इसको पराठों के साथ, चावल के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।